तो प्राण प्रतिष्ठा से पहले सीएम योगी ने श्रद्धालुओं को बड़ी सौगात दी है। सीएम ने सोलर बोट का उद्घाटन किया। अयोध्या आने वाले श्रद्धालु अब सोलर बोट के जरिए ऐतिहासिक धरोहरों का दर्शन कर सकेंगे और भारत में पहली बार सोलर बोट के जरिए योगी सरकार राम भक्तों को सरयू यात्रा कराएगी। बोट में एक साथ 30 यात्री सफर कर सकेंगे। रामनगरी की आबो हवा स्वस्थ और स्वच्छ रहे, इसको देखते हुए योगी सरकार ने यह पहल की है। और इस सोलर बोट की खासियत क्या है, टाइम्स नाउ नवभारत के जो संवाददाता है राकेश पांडे, उनकी एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। अयोध्या में हमारी मौजूदगी और अयोध्या किस तरीके से बदल रही है, ये भी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, इस वक्त हम मौजूद हैं एक इलेक्ट्रिक सोलर बोट पर। इसका उद्घाटन अब से थोड़ी देर पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कर दिया है और आप देखिए इसमें लोग बैठेंगे और जल यात्रा किस तरीके से एक नया विकल्प बने, इसकी भी कोशिशें लगातार चल रही हैं। और अगर आप अयोध्या आते हैं तो ये विकल्प आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। ये तस्वीर लोगों के बैठने की यहाँ पर व्यवस्था, और इसके बाद अलग अलग घाटों तक आप इस इलेक्ट्रिक सोलर बोट के जरिए आप भ्रमण भी कर पाएंगे। हमारे साथ संदीप माल जी हैं, वो ज़्यादा बेहतर तरीके से बता पाएंगे। यहाँ पर जो पायलट हैं वो बैठेंगे, इसको चलाएंगे। संदीप माल जी, एक तो कितने लोगों की कैपेसिटी, कहाँ से कहाँ तक ये रन हो रहा है? जी, इसकी कैपेसिटी 30 सीटर है ये और 2 क्रू मेंबर्स हैं, तो टोटल एक बार में 32 पीपल कैन सिट। और ये निर्धारित किया गया है कि 45 मिनट से 1 घंटे का एक रन होगा और दिन में करीब 6 से 7 रन इसके चलेंगे। इस बोट में खासियत यह है कि ये कम्प्लीटली इलेक्ट्रिक है, और दूसरी खासियत यह है कि इलेक्ट्रिक होने के साथ साथ इलेक्ट्रिसिटी का जो रिन्यूएबल जनरेशन सोलर पैनल से भी है। और ये FRP बोट है, कैटरमरान डिजाइन, काफी स्टेबल। FRP मतलब फाइबर रीइंफोर्स प्लास्टिक का कंस्ट्रक्शन है और IRS के अप्रूवल के हिसाब से बना हुआ है। कहां से कहां तक ये चलेगी बोट? अभी ये निर्धारित हुआ है कि यहां से लॉन्च कर इस घाट से, नया घाट से चलेगी और शायद गुप्तार घाट या उसके पहले तक इसको जाना होगा और रिवर्स करके आना होगा। स्पीड इसकी कितनी होती है? मैक्सिमम स्पीड होगी 9 नॉट्स की और क्रूजिंग स्पीड 4 से 5 नॉट की रहेगी।